स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी साइंस टीचर और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, विच इज़ अबाउट लाइव फंक्शंस, यानी जिंदा चीज़ों जिंदा रहने के लिए जो काम करती हैं उनको हम लाइव फंक्शंस कहते हैं। इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, जैसे हम अपने लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, फिश जो है वो गिल्स के जरिए सांस लेती है और प्लांट्स स्टोमेटा के जरिए सांस लेते हैं। तो ऑल दी लिविंग थिंग्स ब्रीथ और रेस्पायर एंड दे टेक इन ऑक्सीजन एंड इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर मिलती है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे वेस्ट। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें हजम नहीं होती, इसी तरह से सारे जानवर जो हैं हर चीज़ नहीं हजम कर सकते, तो कुछ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है जिसको बाहर निकालना जरूरी होता है, उसको फिर हम वेस्ट बोलते हैं। सेंसिटिविटी आप लोगों को पता है कि गर्मी सर्दी हमें महसूस होती है, इसी तरह से एक माइमोसा प्लांट होता है, अगर उसको हाथ लगाएं तो वो अपने पत्ते बंद कर लेते हैं। तो इस अमल में क्या इन्वॉल्व है, सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है, वो अमल जिसके ज़रिए हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं या महसूस करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स कि हर लिविंग थिंग्स जो हैं अपने जैसे लिविंग थिंग्स बना सकते हैं, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग की। जैसे प्लांट्स जो हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं, उसी सीड से उन्हीं के जैसा एक नया प्लांट बनता है, तो इस अमल को हम कहते हैं रीप्रोडक्शन। फिश जो है वो एग देती है, उसके अंदर से दोबारा फिश प्रोड्यूस होती है, इसी तरह से एग जो है चिकन का उसके अंदर से चूजा निकलता है, तो ये सारा अमल जो है कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन के जरिए हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ओपन अप योर बुक एट पेज नंबर 27। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर। ऑक्सीजन के बगैर लिविंग थिंग्स जो हैं वो जिंदा नहीं रह सकते, प्लांट्स और एनिमल दोनों जो है ऑक्सीजन जो है अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। जैसे ये पिक्चर में, सॉरी डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, मैमल्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल ब्रीथ थ्रू दी नोज ऑफ और नोस्ट्रिल्स। मैमल्स बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो हैं वो नोज़ के जरिए या नोस्ट्रिल्स के जरिए ब्रीथ करते हैं। एयर इज इनहेल्ड इनटू अ पेयर ऑफ लंग्स, द ऑक्सीजन इन एयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड इज कैरीड आउट कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड और ब्रीथ आउट। लंग्स यूज होते हैं बच्चों इसके लिए, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दी जाती है, एक्सहेल कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। इनहेल होती है ऑक्सीजन और एक्सहेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल। इंसेक्ट्स में छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरेकल्स एंड इज पुश्ड आउट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ऑक्सीजन जो है इन स्पाइरेकल के थ्रू इंसेक्ट्स के अंदर जाती है और एयर ट्यूब का नेटवर्क होता है उनके अंदर, लंग्स नहीं होते जिसमें ये एंटर करती है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उन्हीं ट्यूब्स के जरिए और स्पाइरेकल्स के जरिए बाहर निकाल दी जाती है। वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड गैसेस, फिश प्रॉन्स क्रैब्स एंड टैडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब जो वाटर में रहते हैं वो उनके अंदर लंग्स नहीं होते, स्पाइरेकल्स नहीं होते, बल्कि उनके अंदर गिल्स होते हैं, जैसे फिश जो है गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है। दे गल्प वाटर इन थ्रू द माउथ विच पासिस आउट थ्रू द गिल्स। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन टू द ब्लड इन द गिल्स। फिश हैव नोस्ट्रिल्स बट दे डू नॉट यूज देम टू ब्रीथ विद, दे यूज देम टू स्मेल विद। अब ये जो फिश हैं और जो प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, टैडपोल्स हैं, ये सारे गिल्स के जरिए जो है वो ब्रीथ करते हैं। पानी जो है जिसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो मुंह के जरिए ले जाया जाता है, गिल्स के अंदर से होता हुआ उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल ली जाती है।
नॉस्ट्रिल्स होते हैं फिश के, लेकिन उनको वो सेंस के जरिए स्मेल के लिए यूज करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, द लीव्स एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स। प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे होल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। प्लांट्स इनके जरिए जो है वो ब्रीदिंग करते हैं। एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर मोस्ट बॉडी सरफेस व्हेन दे गो आर इन वाटर। अगर वाटर में हो जैसे फ्रॉग्स या कोई और अर्थवर्म वगैरह है तो वो अपनी स्किन के जरिए ब्रीथ करते हैं। स्किन के अंदर उनके पोर्स होते हैं छोटे छोटे जिसके जरिए वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 28 स्टूडेंट्स वेस्ट। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड, सम ऑफ द फूड इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी, दिस इज पास्ड आउट एज वेस्ट। वेस्ट कैन बी सॉलिड और फ्लूइड। सम गैसेस आर आल्सो नॉट नीडेड बाय द बॉडी, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डू नॉट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, दिस इज एक्सहेल्ड एज वेस्ट एयर, द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ब्लड टिश्यूज और ऑर्गन्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब वेस्ट जो है कुछ जो है हमारी बॉडी को चीज़ें चाहिए होती हैं, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ नहीं चाहिए होती हैं। तो जो नहीं चाहिए होती हैं वो एस वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को जो कि ये जिसके ज़रिए वेस्ट बाहर निकाला जाता है हमारी बॉडी से और बाकी एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी से, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सेंसिटिविटी, मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसेस एज ह्यूमंस। They have a nose to smell, eyes to see with, ears to hear with, a tongue to taste with, and the skin with which they feel things around them. Some creatures feel or sense things with various body parts. Insects have feelers or antennae with which they can sense what is around them. Flies fly above food, apply taste with its feet. अब हर एक एनिमल्स में जैसे ह्यूमन के अंदर होती हैं सेंसेस होती हैं, वो अपनी आईज की मदद से देख सकते हैं, ईयर की मदद से हीयर कर सकते हैं यानी सुन सकते हैं, टंग की मदद से टेस्ट कर सकते हैं, स्किन की मदद से फील कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनके अंदर ये सेंसेस नहीं होती, जैसे इंसेक्ट्स के अंदर फीलर्स होते हैं यस, जिनको हम एंटीनी भी बोलते हैं, और फ्लाइज के अंदर जो फुट होते हैं ना उनके, उसी के जरिए से वो फील कर सकते हैं। स्नेक्स हैव लॉन्ग टंग, स्नेक के अंदर बड़ी सी एक टंग होती है। दिस पिक अप केमिकल्स पार्टिकल फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड, स्पेशल ऑर्गन इन द हेड रिएक्ट टू सेंस हेल्प द स्नेक टू ट्रेल इट्स प्रे। स्नेक्स के अंदर ये टंग जो होती है ये इसका सेंस ऑर्गन है, उसके जरिए ये स्मेल्स और जो केमिकल्स इसके अराउंड होते हैं उसको डिटेक्ट कर लेता है और इस तरह से अपने प्रे का पता चला लेता है। जो ज़ीब्रा है उसके अंदर भी कम्बिनेशन ऑफ सेंसेस है, साइट है, हीयरिंग है, स्मेल है, और इसके ज़रिए से वो नियर बाय लाइन जो है उसका पता चला लेता है। स्पाइडर्स जो है उसकी हेयरी लेग्स होती हैं जिसके ज़रिए से उसे छोटी छोटी मूवमेंट्स जो स्मॉल इंसेक्ट्स की होती हैं अपने लिए उसका पता। नाउ स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 29 बैट जो है इसकी जो हियरिंग का पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ईयर्स इसके बहुत शार्प होते हैं, उससे ये साउंड्स को पता चलाती है। फिश के ऊपर एक लेटरल लाइन होती है, ये इसकी सिक्स सेंस है जिसके ज़रिए ये पानी के अंदर वाइब्रेशन फील कर लेती है। माइमोसा प्लांट जो है इसके लीव्स जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर इसको टच करें तो इसके लीव्स बंद हो जाते हैं। आगे है स्टूडेंट्स कंसेप्ट चेक। कंसेप्ट चेक जो है ये हम करेंगे बोर्ड के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। काउज, जिराफ, कैट्स, एलिफेंट्स एंड मंकीज ऑल गिव बर्थ टू बेबीज। सम एनिमल्स प्रोड्यूस ओनली वन बेबी एट अ टाइम व्हाइल अदर्स प्रोड्यूस सेवरल। सम सच एज माइस कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम। अब क्या है कि सारे जो एनिमल्स हैं वो अपने जैसे नए एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। जिराफ, काउज, एलिफेंट आपने देखे होंगे, उनके छोटे छोटे मंकीज उनके बेबीज होते हैं। इसी तरह से कुछ एनिमल्स जो हैं उनके वन बेबी होता है एट अ टाइम, लेकिन कुछ के ज़्यादा होते हैं जैसे माइस के जो हैं 32 बेबीज तक एट वन टाइम हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 30 बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स
लेट्स फ्रॉम विच बेबीज हैच, अब बर्ड्स रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो अंडे जो हैं वो देते हैं और उनके अंदर से उनके बेबीज जो हैं वो निकलते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, आर सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। सीड्स कैन बी डिस्पर्स इन डिफरेंट वेज बाय एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, विंड और वाटर। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पॉट्स, नॉट सीड्स, स्पॉट्स आर यूजुअली स्प्रेड बाय विंड और वाटर। अब जो प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाके ये उग जाते हैं और वो प्लांट्स दोबारा बन जाते हैं। सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं डिफरेंट वेज में, इंसेक्ट्स के थ्रू, विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू। कुछ प्लांट्स जो हैं बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है विंड या वाटर के जरिए स्प्रेड होते हैं। आगे हैं स्टूडेंट्स कंसेप्ट चेक, ये हम बोर्ड पे करेंगे। डिस्कस एंड आंसर ये आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लेना है और जब हम क्लास में होंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ इसकी रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको करवा दिया था, सो वी विल प्रोसीड ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज अ मॉस्किटो फीड। मॉस्किटो जो है फीड कैसे करता है, अपनी गजा कैसे खाता है। मॉस्किटो फीड्स थ्रू आर शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट। मॉस्किटो का एक नीडल लाइक माउथ पार्ट होता है उसके जरिए वो फीड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट डज नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, हाउ डज इट गेट एनर्जी। एक एक प्लांट का नाम बताना है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो एनर्जी कैसे हासिल करता है। सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, कुछ प्लांट्स जो अपना खाना नहीं बनाते। दे कैन बी कार्निवोर्स, वो गोश्तखोर हो सकते हैं। एग्जांपल है इसका पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। और पैरासाइट, वो पैरासाइट हो सकते हैं यानी दूसरों के ऊपर रहते हैं। एग्जाम्पल है इसका रेफ्लेशिया। और डिकम्पोजर, वो गलाने सड़ाने वाले भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका मशरूम्स। तो ये था बच्चों आपका आज का लेक्चर। इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपने ये क्वेश्चन आंसर जो है याद भी करने हैं और अपनी कॉपीज़ पे लिखने भी हैं।